सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एमटेक एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो बेसिकली इस साल चेंज हो गया था, 85 क्वेश्चन से बेसिकली इंक्रीज होके 100 क्वेश्चन हो गया था। अब 1 मार्क्स ईच एंड 90 मिनट्स का टाइम दिया गया था और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। पेपर के लिए आपको ना ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले जा सकते हैं ओएमआर शीट्स पढ़ने के लिए, और पेंसिल रफ वर्क के लिए आप ले जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आप ना कर सकते हैं, अपना रफ वर्क कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर आपको ले जाने के लिए भी मिलता है। सो डिस्कस करेंगे पेपर और कितना सिलेबस है और क्या सिलेबस बेसिकली सब्जेक्ट कितने नंबर कवर करते हैं बेसिकली। सो सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड आता है बेसिकली 20 मार्क्स का, जिसमें आपका रीजनिंग होती है, नंबर सीरीज होती है, लेटर सीरीज होती है, कोड्स, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इवैल्यूएशन, डिस्टिंग्विश, डिडक्शन एंड इंडक्टिव ना रीजनिंग होती है आपकी। वर्बल एनालॉग्स होता है आपका, वर्ड एनालॉग्स, अप्लाइड एनालॉग्स होता है, वर्बल क्लासिफिकेशन होता है आपका, लॉजिकल डायग्राम्स होते हैं उसमें, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप होते हैं, मल्टीपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, एनालिटिकल एंड रीजनिंग भी होगी उसमें आपकी, जिसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्वालिटी एंड क्वान्टिटिव डेटा एनालिसिस होगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। सो बेसिकली एनालिटिकल एबिलिटी में बेसिकली आपका आसान पेपर होगा 20 मार्क्स का, जिसमें रीजनिंग रहेगी, थोड़े बहुत वेन डायग्राम के हेल्प से आपके क्वेश्चन रहेंगे, नंबर सीरीज रहेंगे आपके, ओके, और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज रहेंगे कि दो स्टेटमेंट रहेंगे उसमें, फिर ना दो अजम्पशन लिखे होंगे उसके हिसाब से आपको बनाने पड़ेंगे क्या है ना आंसर होंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे टाइम डिस्टेंस से भी रिलेटेड है ना, क्वेश्चन मैंने देखे हैं आते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर का इकोलॉजी, जिसमें आपका एलिमेंट्स ऑफ इकोलॉजी होगा, आपका स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में पूछ सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के बारे में पूछ सकते हैं, एनर्जी एंड मैटर फ्लो इन इकोसिस्टम और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड ड्रेन और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये आपका 10 नंबर का होगा इकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका वाटर सप्लाई या वाटर ट्रीटमेंट होगा, जिसमें आपसे वाटर डिमांड के बारे में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आपका एनवायरनमेंट में जो भी ना कवर होगा सब्जेक्ट, वो आपका बेसिकली थ्योरेटिकल ज्यादा होगा रादर देन न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल कुछ होगा भी तो बस एक लाइन का होगा, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके एवरेज ना नॉइस लेवल के बारे में होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा BOD निकालने के लिए पूछ सकते हैं, जिसमें आपका डाइल्यूशन फैक्टर गिवन होगा। नेक्स्ट आपसे है ना वाटर सप्लाई या वाटर ट्रीटमेंट में आपसे फिजिकल, केमिकल या बैक्टीरियल एनालिसिस के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, कुछ ना वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर ना पोर्टेबल वाटर पूछ सकते हैं, कितना परमिसिबल और रिजेक्शन के लिए ना चाहिए होता है, वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में जो भी प्रिंसिपल्स हैं जैसे कॉगुलेशन, फ्लॉक्चुएशन, सेडिमेंट्स, ये सब का आपका प्रोसेस पूछ सकते हैं सिंपली MCQ टाइप में, स्लो रैपिड ये सब भी पूछ सकते हैं, प्रेशर फिल्टर ये सब के बारे में पूछ सकते हैं, कि ना रैपिड फिल्टर कब यूज होता है, स्लो सैंड है ना कब यूज होता है बेसिकली, सॉफ्टनिंग के बारे में पूछ सकते हैं, रिमूवल ऑफ टेस्ट और ओडोस एंड सैलिनिटी के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे वाटर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स पूछ सकते हैं, आपका बैलेंसिंग रिजर्वॉयर टाइप्स पूछ सकते हैं, लोकेशन या कोई ट्रीटमेंट प्लांट है तो उसकी कैपेसिटी या डिजाइन पीरियड कितने टाइम के लिए होगा, वो ये सब पूछ सकते हैं, और आपसे हाइड्रोलिक्स और पाइप लाइन और पाइप फिटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर कलेक्शन और ट्रीटमेंट, तो इसमें बेसिकली आपसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल के बारे में पूछेंगे, वेस्ट के बारे में, सेपरेट एंड कम्बाइंड कलेक्शन सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, फ्लो थ्रू सीवर्स पूछेंगे, डिजाइन ऑफ सीवर्स पूछ सकते हैं, सीवर अपरेटनेस, मैन होल्स के बारे में पूछ सकते हैं, कितने डेप्थ में हो सकता है मैन होल, कितना होता है बेसिकली, क्यों प्रोवाइड करते हैं मैन होल्स बेसिकली, सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं, BOD COD के बारे में पूछ सकते हैं, डेफिनेशन है एज अ, या BOD के बारे में सिंपल आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर लिखा रहेगा उसमें, फिर आपसे बेसिकली स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्पोजल पूछ सकते हैं, कौन सा ना डिस्पोजल ना सिस्टम हमें इस्तेमाल करना चाहिए ये सब, और सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट है ना एसेंशियल होगा इस टाइप के लिए, आपसे वर्किंग या प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं सीवेज सिस्टम का, और सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में पूछ सकते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक के ना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं, और डिस्पोजल और रिसाइकलिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं वेस्ट वाटर। ये आपके 20 मार्क्स का होगा, ओके, वाटर सप्लाई एंड वाटर ट्रीटमेंट 20 मार्क्स का, और वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट 20 मार्क्स का।
नेक्स्ट टॉपिक है एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। ये आपका 15 मार्क्स का कवर हो सकता है, जिसमें आपसे मीटरोलॉजिकल डेटा पूछ सकते हैं, नेचुरल प्योरिफिकेशन प्रोसेस पूछ सकते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन कि कितना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उसमें आपसे कार्बन की ये सब पे ना परसेंटेज पूछ सकते हैं, CO2 एमिशन के बारे में पूछ सकते हैं, एयर पॉल्यूटेंट सोर्सेज पूछ सकते हैं प्राइमरी हो या सेकेंडरी है, या फिर एयर पॉल्यूशन का ना इफेक्ट क्या होगा ह्यूमन में वो पूछ सकते हैं, और कुछ पॉल्यूटेंट डिस्पर्जन बेसिकली आपका जो प्लूम का ना जो है उसमें बहुत सारे टाइम होते हैं जैसे फैनिंग ये सब, जो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं आपसे, ELR के बारे में पूछ सकते हैं कि ना स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कौन सा एनवायरमेंट होगा, और नॉइस में आपसे बेसिकली क्या पूछ सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन में सोर्सेज पूछ सकते हैं, इफेक्ट्स पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड्स पूछ सकते हैं कि रेसिडेंशियल में क्या होगा या कमर्शियल में कितना हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी पूछ सकते हैं लेवल, जैसे दो इंटेंसिटी दे रखी होगी उसका पूछेंगे सम अप करके कितना होगा, या फिर पूछेंगे कि इस डिस्टेंस पे इतनी है ना आपके ना डेसिबल में साउंड है तो अगले डिस्टेंस पे क्या होगा, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। फिर मेजरमेंट्स ऑफ नॉइस लेवल पूछ सकते हैं, किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं और बेसिकली नॉइस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सब आपका कवर हो जाएगा एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन में। लास्ट आपका होगा सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट 15 मार्क्स का, जिसमें आपसे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में पूछेंगे, जिसमें आपसे उनका रेट पूछ सकते हैं, या फिर इंडिया और बाहर में ना रेट जनरेशन कितने पे होता है वो पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज कर सकते हैं हम मेजरमेंट करने के लिए, और डिस्पोजल्स के बारे में पूछ सकते हैं, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के, बेसिकली कि मॉइस्चर कंटेंट पे ना क्या फर्क पड़ता है सॉलिड वेस्ट का, उसके जनरेशन के बारे में, कलेक्शन के बारे में, या फिर डिस्पोजल में हर जो मेथड है जैसे इंसिनरेशन लैंडफिल ये सब के बारे में भी पढ़ लेना है आपको। लास्टली आपसे सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं और वेस्ट सेग्रेशन कैसे कर सकते हैं और वेस्ट से एनर्जी कैसे हम लोग है ना कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली एनवायरमेंट का पेपर आपका आसानी रहता है, बेसिकली ज़्यादातर थ्योरेटिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें वन वर्ड टाइप आंसर होंगे, तो आप लास्ट ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा क्वालिफाई करने के लिए, एंड रीजनिंग बेसिकली आसानी होती है इनकी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सो थैंक यू।